महामारी के बाद एक लंबे अरसे के बाद लोगों को राहत मिली थी। जीवन पहले की तरह पटरी पर लौटा ही था कि इस बीच एक और वायरस ने दस्तक दी और लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं निपा वायरस की। केरल में लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहे इस जानलेवा वायरस को लेकर राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। क्या है निपा वायरस? निपा वायरस एक जेनेटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, या खासकर बैट यानी चमगादड़ के जरिए फैलता है। लेकिन इसके अलावा ये सुअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियों से भी फैल सकता है, या इंसान से इंसान के जरिए भी फैल सकता है। अगर निपा वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वह दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह हवा के जरिए नहीं फैलता, लेकिन किसी सामान या फ्लूइड ड्रॉपलेट्स के जरिए फैल सकता है। निपा वायरस के लक्षण: बुखार, सिर दर्द, मानसिक भ्रम, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ। आपको बता दें कि आधे मरीजों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी होती हैं, यहाँ तक कि मरीज कोमा में भी जा सकता है। संक्रमण के लक्षणों को सामने आने में आमतौर पर 5 से 14 दिन लग सकते हैं। कैसे पकड़ में आएगा निपा वायरस? अगर आपको शक है कि आप इस वायरस के संपर्क में आए हैं तो RT-PCR टेस्ट जरूर करवाएं। इसके अलावा PCR, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट और ELISA टेस्ट के जरिए भी इस वायरस की पहचान की जा सकती है। निपा वायरस से कैसे करें बचाव? WHO के मुताबिक निपा वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि निपा वायरस को लेकर हम कुछ सावधानी जरूर बरत सकते हैं। चमगादड़ से दूषित कच्चे फलों का उपभोग करने से बचना चाहिए। अच्छी तरह से पके हुए साफ भोजन का उपभोग करना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए फलों, खासकर खजूर खाने से बचें। पेड़ से गिरे फलों को खाने से बचें। सुअरों और सुअर की देखभाल करने वाले लोगों के संपर्क में आने से बचें। NIV संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को गाउन, टोपी, मास्क, दस्ताने पहनना और हाथों को धोने जैसे उचित सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यक्तिगत ट्रांसमिशन से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा या काम करते वक्त सावधानी बरतें और N95 मास्क का उपयोग जरूर करें। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।